सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से ये वक्त निकाला है यहाँ पे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो फील द एग्जिस्टेंस है। जब से दुनिया बनी है तो हम ये समझते हैं कि हम पूरी दुनिया में जो अर्थ है उसमें हम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इंसानों ने दुनिया को कितना नुकसान किया। हम न्यूक्लियर बम्स बनाते उससे हमने नेचर को कितना नुकसान पहुंचाया। फील द एग्जिस्टेंस इसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो तीन चार चीज़ें। सबसे पहले उसमें आता है टू फील द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे इर्द गिर्द इंसान, हर इंसान की अपनी एक यूनिक स्टोरी, यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक इमोशंस होते हैं। अगर उनको हम अंडरस्टैंड करें तो हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उस बेस पे बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अर्थ है, अर्थ की इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें, अब रिसेंटली कल मौलाना तरफी साहब के नेचर उन्होंने खुद को जो है सुसाइड वगैरह की। अब ये एक यहाँ से हमें भी ये बात का अंदाज़ा हमने यहाँ से लगा जा सकते हैं हम कि अगर यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस के लिए आपको नेचर के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होंगे, क्योंकि यही नेचर है, ये जो मिट्टी, जिस मिट्टी में हम बैठे होते हैं, जिस मिट्टी में, इसी मिट्टी से हम बनाए गए हैं। तो इस मिट्टी के साथ अगर हम कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे तो हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होंगे। अब यहाँ पे बैठे हुए लोग ये सारे लाहौर से नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आए हैं, इन सब की अपनी एक स्टोरीज हैं, इन सब के अपने एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक कल्चर है। अगर हम इन चीज़ों को समझें तो हम एक कितना बेहतरीन एनवायरमेंट हम बना सकते हैं। उस इम्पोर्टेंस को फील करें, उस इंडिविजुअल को फील करें। जब आप फील करना सीखेंगे ना तो हमदर्दी ऑटोमेटिकली आपके दिल में क्रिएट होगी। लास्ट एक सेमिनार में, जो लास्ट सेमिनार था जिसमें कासिम अली शाह साहब, उसमें एक बात हुई कि जी आपका जो दिल है ना उसमें आपने नरमी पैदा करनी है दूसरों के लिए, और जब आप नरमी पैदा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये जो फील द एग्जिस्टेंस जो 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 टॉपिक था उसमें खास तौर पे डिपार्टमेंट की हद तक इन बच्चों ने बाहर भी गिफ्ट दिए हैं, बाहर भी बहुत सारे हमारे जो स्टाफ है उसको दिए हैं। यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने एक छोटी सी एफर्ट है, और वो एफर्ट इसलिए है कि ऐसा नहीं है नियाजी साहब, औरंगजेब भाई, सरदार भाई, मुबारक साहब, अक्रम साहब, शकील भाई भी अभी आ जाएंगे, अजहर भाई भी आ गए कि हम आपको इग्नोर करते हैं। नहीं, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है और हम उस इम्पोर्टेंस को समझते हैं। यानी अगर आप ना हो तो हमारा बाग जो है वो उजड़ा हुआ नजर आए, हमारे कमरे उस तरह से डेकोरेट नजर ना आए, यहाँ पे सफाई ना हो, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, यहाँ पे बच्चे बाहर से आउटसाइडर आ जाएं और यहाँ पे पूछने वाला कोई ना हो, तो आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए जितने हमारे कोलीग्स इम्पोर्टेंट हैं। तो एक छोटी सी काविशा बच्चों की तरफ से एक लंच इन्होंने आपके लिए अरेंज किया है, और छोटे छोटे गिफ्ट हैं जो आपको इन्होंने देने हैं। और मैं आपको ये बावत करा दूँ कि आप फजूल नहीं हैं, और ना ही हमारी कोई चीज़ यहाँ पे फजूल है कि जी हम आए लाइनें लगा दें, हॉल में हमने क्रॉस कर दिया, कुर्सी तोड़ दी, पोल तोड़ दिए, ग्राउंड गंदा कर दिया। एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें, दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने भी लोग पैदा किए हैं, हर इंसान का कोई ना कोई रोल है जो अल्लाह ताला ने उसे असाइन किया। सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी ये क्या कि हम अपने उस रोल को परफॉर्म कैसे करें। अगर इस पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान वो कंट्री है जिसपे दरख्तों की तादाद बड़ी कम होती जा रही है। अगर हम एक गार्डनर का रोल देखें, वो हमारी सोसाइटी को ब्यूटीफुल बनाता है, प्लांट्स लगाता है,
और वो प्लांट जो है वो हमारी जिंदगी है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है और आपका डिप्रेशन 90 to 80% डिप्रेशन आपका सिर्फ ग्रीनरी देखने से दूर होता है। तो ये जो लोग यहाँ पे सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी का हमारे डिपार्टमेंट का बाग पौधे इसके लोग ऑफर कर रहे हैं और ये लोग जो ना हमारे लिए सरमाया है और जो ना हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन लोगों के और तमीज़ जिसे हम एक लफ्ज़ कहते हैं मैनर्स।